से जूही शुक्ला, कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन के ऊपर बात करती हूँ, प्लस आप लोगों के साथ आप लोगों के जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। PhD, MPhil, प्लस नेट, JRF, इन सब से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उसका मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ PhD एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सारे स्टूडेंट्स के लिए, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है कि यहाँ से फॉर्म आया तो मैम जरूर नोटिफाई कर लीजिएगा। फॉर्म 3-4 दिन पहले आ चुके हैं, मैं आपको 3-4 दिन लेट इन्फॉर्म कर रही हूँ, तो आप जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं PhD के लिए, जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो वो यहाँ पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करूँगी कि जो PhD के इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस मेरा अपना था वो मैंने आपके साथ लास्ट ईयर भी शेयर किया था, तो आप उसे एक बार जरूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उसे चेकआउट कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जो कन्फ्यूज़न होता है कि क्या होगा वहाँ पे, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लस इस वीडियो में भी मैं आपको जो भी मेन चीज़ें हैं वो बताती चलूंगी, वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एप्लीकेशन फॉर्म निकले गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका वही होने वाला है, 55% आपके PG में होने चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा उन स्टूडेंट को जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। यानी एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी वेबसाइट पे, या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रही हूँ, तो जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई कीजिए तो उसके FAQs जरूर चेक कीजिए, क्योंकि जो आपके उसके रेलेवेंट आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके FAQs में मिल जाते हैं, स्टूडेंट्स ने पूछा होता है। प्लस वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपलोड होती हैं कि जो भी स्टूडेंट्स को क्वेरी आ सकती हैं वो किस तरह की क्वेरी होंगी, उसके आंसर्स दिए होते हैं, तो FAQs जरूर चेक कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि हम डेट क्या होने वाली है। तो यहाँ पे 23 मई से फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं और 22 जून तक फॉर्म भरे जाने हैं, तो 22 जून तक अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म में मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, बहुत ही आराम से फॉर्म को फिल करिएगा। अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपको परेशानी होगी, आगे तक परेशानी होती जाएगी, फिर उसके लिए आप प्रोसेस करेंगे, ये करेंगे, तो इससे अच्छा है कि जो भी फॉर्म डाल रहे हैं बहुत ही आराम से केयरफुली फॉर्म को डालिए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम्स किस तरह से होने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि PG वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल टेंशन नहीं लें, PG वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस वो स्टूडेंट जो एग्जम्पशन कैटेगरी में आते हैं उनको अपना एग्ज़ाम नहीं देना है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एग्जेम्पशन कैटेगरी में कौन कौन आता है? जिन्होंने भी किसी भी तरह की फेलोशिप जिनको मिल रही है, कोई भी नेट है, JRF है, गेट है, या फिर MPhil है, उनके वो सारे स्टूडेंट एग्जेम्पशन कैटेगरी में आते हैं, नहीं उनको एग्जाम नहीं देना है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, फॉर्म सबको भरना है, फॉर्म भरने के बाद ही आपको जब भी मेरिट लिस्ट आएगी, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू में जाना है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, मैं अपने टाइम का आपको बता देती हूँ। जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था तो किसी वजह से मैं एग्जेम्पशन कैटेगरी में थी, और किसी वजह से मेरा उन्होंने अपडेट नहीं किया था कि मेरा जो इंटरव्यू की लिस्ट आई थी उसमें मेरा नाम नहीं आया था। फॉर्म मैंने भरा था, सब कुछ किया था, तो उस केस में अगर आप किसी भी तरह की चीज़ें में उलझते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी वजह से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में परेशानी होती है तो आप अपने डिपार्टमेंट में मेल कीजिए, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो भी SC से आते हैं, प्लस जो PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बाकी सबके लिए 800 रुपये फ़ीस होने वाली है, तो उसको मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँगी। सीट्स वगैरह के बारे में भी देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिया है डिपार्टमेंट वाइज सीट दी है कि SC को कितनी सीट्स हैं, ST को कितनी सीट है, OBC को कितनी सीट है, जनरल कैटेगरी को कितनी सीट है, सारी चीज़ें उन्होंने इस बार अच्छे से दे रखी हैं। प्लस रिसर्च प्रपोजल, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, रिसर्च प्रपोजल मैम किसे बनाना है, कैसे बनाना है, इस तरह के जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर आते थे, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपको रिसर्च प्रपोजल किस किस को बनाना है। देखिए, सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं मांगे गए रिसर्च प्रपोजल, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिस डिपार्टमेंट्स में मांगे गए हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, इन सब में मांगे गए हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, उसमें रिसर्च प्रपोजल बनेंगे। जिसमें मेंशन नहीं है उसमें आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा वो भी इन्होंने मेंशन किया है। अगर आपके पास अपना कोई रिसर्च पेपर है या फिर कोई भी आपने रिसर्च की फील्ड में काम किया है वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, उसका भी एक आपको एडवांटेज मिलेगा ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई पेपर है या फिर आपने कुछ अच्छा प्रोजेक्ट पर काम किया है, कुछ भी काम किया है रिसर्च से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ को मैं और आपसे क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो रिसर्च प्रपोजल को लेकर आपको कन्फ्यूजन होते हैं कि मैम कितना बनाए या ना बनाए, तो देखिए अगर आपके डिपार्टमेंट में है तो आपको
डेफिनेटली बनाना है। आप बिल्कुल इस चीज का टेंशन मत लिया करिए कि आपके रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग आपको जज किया जाएगा, यानी कि आपको उसी पे काम करना है। तो ऐसा नहीं है, जज किया जाएगा। अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं ले जाते हैं तो वहाँ पे आपके मार्क्स अपने आप कम हो जाते हैं। प्लस आपकी फिर ये भी देखता है गाइड, ये भी सुपरवाइजर या फिर आप गाइड कह सकते हैं या फिर जूरी या फिर जो भी मेंबर्स होते हैं पैनल मेंबर, वो ये भी देखते हैं कि ये स्टूडेंट कितना पोटेंशियल है, कितनी इसके अंदर सीरियसनेस है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए रिसर्च प्रपोजल बनाना जरूरी है। इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा कि चलिए रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा, ऐसा मत सोचिएगा। रिसर्च प्रपोजल अगर आपके डिपार्टमेंट में है तो आपको डेफिनेटली बनाना है। मैथोलॉजी आपको किस तरह से आपने क्या काम किया है वो आपको लिखना है। रिसर्च प्रपोजल के ऊपर भी मैंने लास्ट वीडियो बनाया है एक, कि किस तरह से बना सकते हैं बेसिक। अच्छा, एक कन्फ्यूजन बहुत आता है कि जो रिसर्च प्रपोजल मैं बना के ले जाऊंगा या ले जाऊंगी उसी पे मुझे क्या पीएचडी करनी होगी, उसी पे क्या मुझे रिसर्च करना होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसर्च प्रपोजल सिर्फ आपको जज करने के लिए होता है कि आप कितने पोटेंशियल हैं, आप कितने रेगुलर हैं, इस तरह की चीज़ें वो जज करते हैं। फील्ड आपका जो भी होगा जिस पे आपको रिसर्च करनी है, जिस पे आपको अपनी पीएचडी करनी है, थीसिस करनी है, वो पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके गाइड के ऊपर, आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। रिसर्च प्रपोजल के बाद आप अपना बदल सकते हैं, आपको जिस फील्ड में भी काम करना है आप उसमें जा सकते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल सिर्फ आप बनाइए वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए, थोड़ा बस उसके बारे में पढ़िए ताकि आपको उसमें वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं, अच्छा रिसर्च प्रपोजल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिसर्च प्रपोजल किसी और से मत बनवाइए। पूरी कोशिश कीजिए कि आप खुद बनाइए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो कि मैंने इसमें लिखा क्या है, ताकि आप वहाँ पर थोड़ा बहुत बता पाएँ। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, मैंने आपसे मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होने वाली है सारी चीज़ें बता ली हैं। आपको जो भी अगर क्वेरीज आती हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। आप जो भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको आंसर्स दे पाऊँ। अगर मैं आपको आंसर्स नहीं दे पाती हूँ तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मैंने वीडियो में बताया है, तो आप वीडियो को पूरा देख लिया करिए ताकि आपके मोस्टली क्वेश्चंस क्लियर हो सके। बाकी आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझसे अपने वहाँ पे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आप क्या एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सब जो भी डेट्स होंगी कि कब आपका एग्ज़ाम होगा वो सारा आगे मेंशन कर दिया जाएगा। वेबसाइट आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, सारी चीज़ें वेबसाइट पर होती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद में ही एक ब्रांड है, इसके बारे में किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीएचडी के लिए देख रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन है, आपके पास जाइए, अप्लाई कीजिए और एडमिशन लीजिए। अगर आप यहाँ से पीएचडी करते हैं तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है, नो डाउट। सीट्स है ना, सब कुछ दी हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं क्लियर। बस आपको वेबसाइट टाइम टू टाइम जरूर चेक करना है। यहाँ पे जस्ट हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे फॉर्म आए हैं, आप डाल दीजिए। आप अगर पीएचडी के लिए देख रहे हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तो आप डेफिनेटली डालिए, ये अपने आप में एक ब्रांड है। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप पीएचडी एमफिल इस तरह की कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मिलता है, तो आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आती है आप वेबसाइट पे पता कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर आपके डिपार्टमेंट्स के दिए हैं वहाँ पता कर सकते हैं। आप किसी के भी थ्रू पता करिए, मेल करिए, कॉन्टैक्ट करिए, किसी भी थ्रू पता करिए, लेकिन पता कर लीजिए ताकि आप इंटरव्यू के टाइम पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सारी डेट्स टाइम टू टाइम आगे आपको इन्फॉर्म होती रहेंगी, आपको पता चलती रहेंगी। मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि इंटरव्यू से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी इंटरव्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर देने की, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।